Lunch ready? Yes. Babies also. Other day, but yay! 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 इतना साला जूम है फिर भी इधर जूम की बात नहीं है सर साइड से घुमा रहा हूँ दादा लाओ मैं नहीं 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 जगह चलो एक मैडम के साथ अरे यार थोड़ा पीछे पीछे हुई ना क्योंकि तुम्हारा पूरा फोन मेरा नाम मिसिस हेतल सागर है मैं मुंबई को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मुंबई से आप यस क्या कहना चाहेंगे आज के इसके बारे में आपको कितना ग्रूमिंग के लिए याद रखा है ग्रूमिंग सेशन है लैक्मे वाले आए हैं जिन्होंने मेकअप के लिए हम लोग को रेडी किया है रैंप पे कैसे चलना है वो सिखाने वाला है क्योंकि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट हैं हम लोग नॉर्मल हाउसवाइफ है या तो कोई वर्किंग वुमेन है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो परफेक्ट मिसिस इंडिया हो रहा है फर्स्ट टाइम लेट्स सी इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर अस एंड वी आर रेडी टू फ्लाई अराउंड कितना एक्सपीरियंस तो ऐसे समझो कि अभी तक कुछ आ ही नहीं रहा था दो तीन दिन में बहुत कुछ आ गया है रिंकू चौधरी फ्रॉम राजस्थान अनीता शर्मा मैं मुंबई से हूँ मैं नाजली मैं भी मुंबई से ही हूँ आज के क्या कहना चाहेंगे आज का जो इवेंट है आज का इवेंट मेरे लिए काफ़ी ख़ास है कि लाइफ में पहली बार मिसेस इंडिया के तौर पे कुछ करने मिल रहा है और मैं इस चीज़ के लिए इस पेजेंट की बहुत शुक्रगुजार हूँ आप क्या कहना चाहिए ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है करंटली मैं स्टूडेंट हूँ बट आई वॉन्ट टू बी ए मॉडल एंड दिस इज़ अ चांस फॉर मी एंड आई हैव टू कैच इट सो दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी एंड दिस Perfect Mrs. India 2018 give us such a beautiful platform and this is the season first. So we are very excited who will be crowned as Perfect Mrs. India 2018 for first season. आपको क्या क्या सीखने को मिला यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आज ग्रूमिंग हो रहा है आपको हाँ सीखने के जी जी बिल्कुल हम लोग बींग एन हाउस वाइफ मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ बट हम पर इससे जुड़ने के बाद हमें और बहुत सारे जो टास्क हमें दिया जाता था तो कुछ ऐसे ऐसे टास्क होते जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं थी फिर हमें उसके बारे में जानकारी लेके उसके बारे में बोलना पड़ता तो हमें नॉलेज भी मिल रहा था और ये जो सफ़र है बहुत ही ग्रेट काफ़ी नॉलेजेबल है और इसमें क्या है कि जितने भी लोग कंटेस्टेंट हैं उनको मास मीडिया मिले मतलब मीडिया एज वेल एज मास ऑडियंस मिलेंगे जिसमें वो पहचानी जाएगी चाहे वो जीते कि ना जीते बट लोग उनको पहचानेंगे मिसेस परफेक्ट इंडिया फाइनलिस्ट तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है आप राजस्थान से आए हैं या अभी हाउसवाइफ हैं नो आई एम ए स्टूडेंट बी फार्म फाइनल ईयर इसमें सब तरह के हैं हाउसवाइफ भी हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बहुत ही अच्छा है दिस नॉट मैटर कि कोई हाउसवाइफ है चाइल्ड है नहीं है इट विल इक्वल ऑल आर मैरिड वुमेन्स और सभी दो फैमिली को एक साथ कैरी करके चलती है नो मैटर कि वो क्या काम कर रही है दैट मैटर कि वो दो फैमिली को एक साथ लेके चल रही है और फिर भी वो अपने ड्रीम्स की ओर बढ़ रही है दे वर कैचिंग देयर ड्रीम्स एंड दिस इज द ट्रुथ यस मैं हाउस वाइफ हूँ तो कितना आपको फैमिली ने सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है और उन्होंने फोर्स करके स्पेशली मुझे भेजा है कि जाओ अपने लिए कुछ करो और ये इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ में हम अपने लिए कुछ करें मैरिज के बाद में 10 लोग होते हैं सास ससुर बेटा बहुत कुछ होता है कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तो ये सोच छोड़ के वो सोच घर पर रख कर मैं यहाँ आई हूँ कैसे टाइम निकालते हैं आप बच्चे मैनेज कर लेते हैं वो लोग मेरे को टाइम दे रहे हैं कि जाओ तुम अपना टाइम लो
ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर मेकअप करना और यहाँ पे मेकअप आपको हर चीज़ सिखाया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एक अलग ही बात हो जाती है, जो चीज़ आप खुद करते हो और कोई और सिखाए उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप बच्चे को घर में पढ़ाओ और स्कूल में भेजो, दोनों में पढ़ाई में बहुत फ़र्क होगा। और सबसे अच्छा ग्रूमिंग, बहुत कुछ सीखने मिला यहाँ के। क्या क्या सिखाया आपको यहाँ पे? ये सीखने मिला कि लोगों को मिलना, अपने आप को देखने का एक नया नज़रिया मिला, एक नई पहचान, और लोगों से व्यवहार क्या है, कैसे इंटरेक्शन हुआ। या आइए, सबसे पहले आपका नाम? आपका नाम? Hello friends, my name is Aryavrat. I am 9 years old and I am child actor. I am working Paramavatar Shri Krishna as a Balram. And my new show coming Srimad Bhagwat. I am work Ganesha. ये जो है अभी हो रहा है, इसमें आप परफॉर्म करने वाले हैं फिनाले में, क्या करना चाहेंगे? क्या करने वाले हैं इसमें? इसमें मैं गाना परफॉर्म करने वाला हूँ। कितने शौकीन है गाना गाता आपको? गाना 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 नहीं, उसमें मैं डांस करने वाला हूँ। हाँ, कोई ऐसा गाना गुनगुनाएंगे जो आपके एक लाइन कोई जो आपके दिल के काफी करीब है, कोई भी गाना? हाँ, कौन सा गाइए? अभी एक नई मूवी आ रही है बत्ती गुल मीटर चालू, आपने तो ट्रेलर देखा ही होगा, उसका गाना भी सुने होंगे। वो जो कहते थे एक पल ना और, वो जो एक पल ना आँखों से ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। थैंक यू। डॉक्टर खुशी, डॉक्टर खुशी गुरु भाई। बात करें आज जो है काफ़ी इवेंट्स, ये जो है लड़कियां लड़कियां जो आई हैं इनकी ग्रूमिंग चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आपको परफेक्ट मिसेस इंडिया के बारे में? नहीं, बहुत ही अच्छी चल रही है और बहुत नर्वसनेस भी है और कॉन्फिडेंस भी है, ये कॉम्बिनेशन है दोनों चीज़ों का। आधी डरी हुई है आधी, लेकिन इतना यकीन है कि कल स्टेज पर सब कॉन्फिडेंट रहेंगे। सब कहाँ से आए हैं? सब बहुत छोटे छोटे जो सिटीज होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ से भी हैं, मतलब हर जगह से हैं। इन तक कैसे पहुँचे आप लोग? नहीं, ये तो हम लोगों ने जो एड रिलीज की थी सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसके जरिए ये लोगों ने हमको अप्रोच किया। सोशल मीडिया पे कैसे आपने इन सबको इनवाइट किया? हाँ देखिए, एक्चुअली आज के टाइम पे जो कि अगर हम देखें, इंस्टाग्राम बहुत ही अच्छा एक जरिया है सोशलाइज करने का खुद को, तो हमने यूज़ किया इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, हर जगह पे यूज़ किया। तो मतलब सोशल मीडिया की ऐसी चीज़ है जो इजीली सबको जोड़ देती है। आजकल न्यूज़पेपर्स वगैरह फिर भी एक कम कम जगहों पे जाते हैं, मगर डिजिटल के थ्रू आप गांव के कोनों कोनों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इतना फैल गया है। हाँ, न्यूज़पेपर का एक टाइम होता है सुबह 7 बजे 6 बजे कुछ भी, बट डिजिटल इतना फैल गया है कि आप रात को उठोगे तब भी आपको कुछ नया देखने को सुनने को मिलता है। सो सोशल मीडिया बहुत ही वर्कफुल, बहुत ही हेल्पफुल है। कुछ काफ़ी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि एक लड़की को आप मैनेज कर सकते हो उनके पेरेंट्स से पूछ के, लेकिन एक बहू को मैनेज करना, सास ससुर से, जेठ से परमिशन, बेटे से परमिशन, यहाँ तक कि बच्चों से भी परमिशन ली जाती है। यही चीज़ हमने पहले सोची थी, लेकिन जब स्टार्ट हुआ उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज का दौर काफ़ी बदल चुका है, इंडिया इज़ कम अप वेरी वेल, और आज की औरतें कहते हैं ना सब पे भारी आज की नारी, तो उस तरीके से दे आर लाइक वेल, उनके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। पहले होता था कि सिर्फ माँ बाप सपोर्ट करते थे, लेकिन अब सास ससुर, उनकी एंटायर फैमिली, दो दो फैमिली का सपोर्ट है। इवन देन मारवाड़ी भी शायद हैं आपके? हाँ जी। कितने मारवाड़ी फैमिली है? एक है, राजस्थान से। तो जहाँ घूंघट उनकी फैमिली आई है, पूरी पूरी बारात लेके आए हैं लोग। एक्चुअली हमने ये चीज़ नोटिस की है, सब लोग बोलते हैं कि हाँ इन लॉज सपोर्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते। हमने देखा यहाँ पे सासू माएँ आई हैं, वो ग्रूम कर रही हैं अपनी बहू को कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं है।
सासू माएँ भी बहुत अच्छी बहुत, होती बहुत, बहुत मतलब पहले हमको ये लगा था कि उनकी मदर है, देन वी रियलाइज के नहीं ये मम्मी नहीं है, सासू माँ है। यहाँ से जाने के बाद किचन में खाना नहीं बनेगा, रैम्बॉक बनेगा। रैम्बॉक बनेगा, फिर से बिल्कुल सही कहा आपने, कल तक तो यही होगा। क्राउनिंग होने के बाद मैं डेफिनेटली, और यहाँ जितनी भी लोग आए हैं वो एक चीज़ लेके जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो पहले पहले इन लोगों ने शुरुआत की थी जो और उसके बाद जो ग्रूमिंग के बाद अब जो उनमें जो परिवर्तन आया है, ये चीज़ एक बड़ा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने कभी आपने सोचा था कि मजाक बन के रह जाएगा ये, एक बार सोचा वो स्टार्ट करने से पहले कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है? नहीं नहीं, ये ज़रूर था कि कितनी औरतें आएंगी, लेकिन अब देखा कि जबकि एंट्रीज क्लोज भी हो चुकी थी फिर भी उनकी एंट्रीज तो हर जगह से चल ही रही थी। ग्रूमिंग की बात करें, किस कौन सी टीम आई है यहाँ पे करने के लिए? पुणे से टीम आई है, जो एसलेसे जो हमारे बोर्ड के हैं, और वो लोग उनको ट्रेन कर रहे हैं, वॉकिंग से लेके उनके इंट्रोडक्शन से लेके हर चीज़ को उनको ट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी बार होता है बातें करते करते कोई कुछ चीज़ें होती हैं जो शादीशुदा इंसान की ज़िंदगी में रह जाती है, मतलब वो सब फायदे से आप पूरा कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, वही चीज़ थी कि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि काफ़ी स्पेसिफिकली औरतों में बहुत होता है कि शादी हो गई है उसके बाद में कुछ नहीं, ग्लैमर नहीं है, घर है, किचन है, बच्चे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपका सपोर्ट है और अगर आपके अचीवमेंट है, आपके गोल्स हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। जो विनर होता है उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म है? वो तो जितना जब अचीव हो जाएगा उनका, सिर्फ क्राउन नहीं है, फिल्म में कुछ वेब सीरीज से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।